हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC NET लाइब्रेरी साइंस के जो स्पेशल क्लासेस देख रहे हैं, जिसमें कि हम कर रहे हैं लास्ट रिवीजन, यानी कि आपका लास्ट रिवीजन के तौर पर हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। और लास्ट रिवीजन में हम क्या देख रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको हर एग्ज़ाम में, यानी हर एग्ज़ाम में लाइब्रेरी साइंस के देखने के लिए मिलते ही हैं, और कहीं ना कहीं रिपीट क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं रिपीट क्वेश्चन, बार बार आने वाले क्वेश्चन, वो देखेंगे। तो हमने कल क्या देख लिया था, हमने कल आपका 2021 के पेपर में जो रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन, वो देख लिए थे। आज हम देखेंगे 2020 में, जून 2020 में रिपीट होने के जो चांसेस हैं क्वेश्चन, उन्हें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर लेना है, ज्वाइन करके रख लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, यानी कि आज का पेपर कौन सा है। आज का पेपर है हमारा जून 2020 का। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं या फिर आपके जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, उन्हें देखेंगे। तो हमने कल क्या है, जब आपकी दो, यानी कि आपने दोनों वीडियो देखी होंगी, तो दोनों वीडियो में मैंने आपको जब चैप्टर वाइज कराया था, तो चैप्टर वाइज में आपको एक चीज़ बताई थी कि, यानी कि हाय का मैसेज मैंने लिखा, आपको भेजा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यानी कि मैं कौन हुआ और आप कौन हुए, ये क्या है, माध्यम है, यानी कि मैं हूँ यानी सेंडर, आप हुए रिसीवर, ये क्या है, माध्यम। चाहे आप WhatsApp से भेजो, टेक्स्ट मैसेज भेजो, ये क्या है, माध्यम। तो ये क्या है प्रक्रिया, आपको पता होने चाहिए कि ये प्रक्रिया के बारे में भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसमें क्या है, सेंडर, रिसीवर और ये वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। चलिए वो यानी कि जब आपकी थ्योरी की क्लास होगी तो आपको चैप्टर वाइज वाले में बता दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस आती है हमारी, जो आपका जनेवा, यानी कि जनेवा के ऊपर जो दस्तावेज वाली कहानी थी, उसमें क्या था, यानी कि इससे तीन को चार क्वेश्चन आपके निकलते हैं इस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आता है, लिखिए जनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, दस्तावेज किसने तैयार किए थे। तो किसने तैयार किए थे, ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर था WSIS। अब इसमें यानी कि आपको ये क्वेश्चन इसलिए लिखवाया गया है क्योंकि इसमें आपकी क्या आएंगी, सारी की सारी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसमें क्या है, यूनेस्को की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, इफला की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, और ये आपको पता होना चाहिए कब कब बनी। जैसे कि आपका इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है द वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है, ये आया था। और ये यानी पहला कब आया, 2003 में, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई। दूसरा कब आया, 2005 में। पहला जो 2003 में आया था वो लिखिए, 2003 में कहाँ पर हुआ था, में जेनेवा। 2005 में कहाँ हुआ, ये हुआ था, दूसरा हुआ था आपका ट्यूनिशिया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यानी इसी में से क्वेश्चन उठ जाएगा आपको, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। क्या है यूनेस्को की फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बहुत सारी जगह आपको मिलेगा द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, लिखवाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दिया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना लिख लीजिए 6 नवंबर 1945, कहाँ पर, लंदन UK में की गई थी। या इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है पेरिस में, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे आपके लाइब्रेरी साइंस में आपको देखने मिलते हैं। फिर आता है इफला, ठीक है, इफला की फुल फॉर्म यहाँ से शुरू नहीं होती, इफला की फुल फॉर्म होती द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ, ये लिखिए
क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। इसकी फुल फॉर्म मैं लिखवा देता हूँ, द इंटरनेशनल नेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, स्थापना कब हुई, यानी कि स्थापना कब हुई, 1927 में। ठीक है, कहाँ पर और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, इसका मुख्यालय मैच द बॉलिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एक तो इसका ईयर और इसका मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ है, द हैंग में, यानी कि नीदरलैंड हैंग में है, जहाँ पर आपका इंटरनेशनल कोर्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है आपका इसकी फुल फॉर्म क्या, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आया कब, 14 जुलाई 1967। मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बैठता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके कहीं ना कहीं रिपीट होने के चांसेस हैं और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है आपको बुक आर फॉर यूज। दूसरा क्या कहता है, एवरी रीडर हिज और हर बुक। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है एवरी बुक इट्स रीडर। चौथा क्या कहता है, चौथे के लिए हम चले नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। फोर्थ क्या कहता है, सेव द टाइम ऑफ रीडर, यानी कि रीडर का समय बचाना है। और आखिरी क्या है, वर्धनशील संस्था, यानी कि आपका लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, लाने वाले कौन थे, आपके फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस, सॉरी फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस, जिन्हें क्या कहते हैं, एस आर रंगनाथन जी। और जो ये आए थे, देखो दो चीज़ याद रख लेना, आए ये जो आपके पुस्तकालय के, यानी पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं वो कब आए, 1928 में। और इसे क्या करा गया, यानी कि इनको 5 सूत्रों को प्रतिपादित किया गया था और इनको प्रकाशित कब किया गया, 1931 में। दोनों चीज़ें ध्यान रखना, ये है प्रकाशन यानी कि प्रकाशित, ठीक है, और ये क्या है आपके प्रतिपादन। ठीक है, दोनों चीज़ें, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रतिपादन, तो प्रतिपादन वाली डेट लिखनी है, और प्रकाशन वाली डेट अगर आपसे पूछी जाए तो प्रकाशन वाली डेट लिखनी है। क्योंकि ये जो कन्फ्यूज़न के लिए, यानी कन्फ्यूज़न आपको क्या करा जाता है, बच्चों से पूछ ली जाती है प्रकाशन यानी प्रतिपादन वाली डेट, बच्चे लिख देते हैं 1931, वहीं पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और आपको जो आपका एक नंबर था, दो नंबर थे जो मिलने वाले थे, यानी कि दो नंबर का क्वेश्चन रहता, दो नंबर जो मिलने वाले थे वो भी आपके बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि इस तरह की चीज़ों को गड़बड़ ना करें। फिर आता है
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कलकत्ता यानी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई थी? यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन था। फिफ्थ नंबर का मान लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाता है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई, ठीक है, किसकी पहल पर की गई, तो इसका आंसर हो जाता है जे एच को स्टॉकलर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, यानी कि आपका रिपीट होने वाला क्वेश्चन रहा है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ईयर बुक है, यानी कि ईयर बुक आपसे ये पूछा जा सकता है, ईयर बुक हो गया, आपके थेसिस हो गए, आपके डिसर्टेशन हो गए, ये किस तरह के क्या नाम सोर्सेज हैं, यानी कि प्राइमरी सोर्सेज हैं, सेकेंडरी सोर्सेज हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आया था जो क्वेश्चन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड थोड़ा सा अलग सा हुआ, एंट्रीज यानी कि एंट्रीज। अब एंट्रीज क्या है, आपसे पूछा गया था ये है क्या, भाई ये आपका हेल्थ का पोर्टल है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए एक वेब पोर्टल है, यानी कि एंट्रीज एक स्वास्थ्य के लिए वेब पोर्टल है जो कहीं ना कहीं आपके आपके कब आया था, 1994 में प्रारंभ हुआ था। इसमें कहीं ना कहीं ये क्या है, फ्रांस भाषा से लिया गया शब्द है, और ये स्वास्थ्य विज्ञान के प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल के लिए कहा गया था, और ये किसके अंदर आपको देखने के लिए मिला, इसके उपयोगकर्ता कौन है, इसमें आ जाएगा NCBI यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकली इंफॉर्मेशन के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर आपको NCBI के रूप में मिलेगा, यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एक रूप में मिलेगा, यानी आपको NLM में रूप में मिलेगा, या फिर NCBI के रूप में मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, एक और आपका नाम आ जाएगा NIH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, इन तीनों नामों को याद कर लेंगे। लाइब्रेरी थिंकिंग के बारे में, यानी लाइब्रेरी थिंकिंग के आपको पता है, लाइब्रेरी थिंकिंग क्या है, लाइब्रेरी थिंकिंग क्या है, ऑनलाइन कैटलॉग सर्विस है, ठीक है, ये भी आप लिखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, लाइब्रेरी थिंकिंग क्या, यानी कि लाइब्रेरी थिंकिंग क्या है, छठा नंबर हम लिखते हैं, सातवां नंबर, ठीक है, क्या है, लाइब्रेरी थिंकिंग, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ऑनलाइन कैटलॉगिंग सर्विसेज, ठीक है, क्या है ये, ऑनलाइन क्या है, सर्विसेज है, और इसके यानी कि का विकास कब हुआ और किसके द्वारा किया गया, लिखिए, का विकास टिम डिंग एंड वेंट लीव के द्वारा 29 अगस्त 2005 में किया गया, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म के ऊपर, यानी कि फुल फॉर्म के ऊपर आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपको सारे ज़्यादातर लाइब्रेरी के एग्ज़ामों में देखने मिलेगा, डिस यानी कि एक तरह से क्या है, यानी कि ये किससे संबंधित, सबसे पहली बात आती है किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका है, आप किससे संबंधित है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यू
रो, ठीक है, ये किससे संबंधित, साइंटिफिक ब्यूरो से संबंधित है, ठीक है। अब आपकी इससे में क्या पूछी जाती है, फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म भी लिखिए, यानी कि डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। इसका प्रतिपादन कब हुआ, इसका प्रतिपादन लिखिए, प्रतिपादन 29 जुलाई 1970 में हुआ था, ठीक है। और ये क्या था, यानी कि आपको पता होना चाहिए एक तरह से DRDO के संबंध में कहीं ना कहीं एक विभाग के रूप में कार्य के रूप में करते हुए देखने को मिलता है। और ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा ये किस विभाग के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आ गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ISBN और IS, यानी कि ISSN नंबर के बारे में। ISBN और ISSN नंबर के बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। ISBD ये क्या है, ISBD क्या है, ISBD क्या है, ISBD के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ISBN यानी ISSN नंबर तो आपको पता है, अब ISBD क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, ये प्रतिपादित किया था आपके इफ्ला द्वारा, ठीक है। और ISBD प्रकाशित कब हुआ, आपका प्रकाशित हुआ था, ये प्रकाशन आपका आ जाएगा 2007, ठीक है, आपसे यानी कि प्रकाशित हुआ। और दूसरा यानी इसका प्रकाशन कब हुआ, 2011 में, ठीक है। इसके अंदर क्या आते हैं, 9 क्षेत्र हैं, यानी कि क्या है, 9 क्षेत्र हैं, ठीक है। अब 9 क्षेत्र कौन कौन से हैं, सबसे पहले, ठीक है, तो 9 क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या है, यह आपके टाइटल आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा, पब्लिशन आ जाएगा, फिजिकल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, सीरीज आएगा, नोट आएगा, स्टैंडर्ड नंबर्स आएंगे, ये सारे कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में आपका इसका योगदान रहा है। यानी कि आपको पता होना चाहिए किसके बारे में पूछ रहा है, क्या प्रकाशन कब हुआ, इसके लाने वाला कौन है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे रिपीट होने के चांसेस हैं और रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। अब रिपीट होने के चांसेस, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिलता है, यानी कि देखने के लिए मिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। एक आपको OCLC के बारे में पता, OCLC में क्या है, OCLC के फुल फॉर्म क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, तो ये पता होना चाहिए OCLC की फुल फॉर्म क्या है। OCLC की फुल फॉर्म वैसे तो सबको पता है, OCLC की फुल फॉर्म क्या है, तो OCLC की फुल फॉर्म याद रख लेना, OCLC की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट रहा है, और देखते हैं हम इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, AACR, यानी AACR के बारे में पूछा जाता है। AACR क्या है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ठीक है। अब एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं, आई उसके बारे में पता देखेंगे हम। और ये सारे के सारे आपसे पूछे जाते हैं कि कब कब आए हैं, यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहला आपका आ जाता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल आया कब, पहला कब आया, 1967। दूसरा कब आया आपका, दूसरा किसे क्या कहते हैं हम, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल 2, यानी कि 2 कब आया, 2 आपका आया था कब आया, यानी कि 2 का एडिशन आपको देखने को हमेशा इशू मिलता है 1978, ठीक है। और फिर आपका आ जाता है इसमें एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल 2R, यानी कि 2R का भी रिवाइज, 2R का भी रिवाइज क्या हुआ, यानी कि आपको अप टू डेट में 2005 मिलेगा, और इसका एक तरह से इसका जो कैटलॉग रूल आपको मिलता है 1988 से एंड
1998, ठीक है। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या पूछी जाती है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसके क्या नाम ईयर पूछा जाता है। तो ये आपको दोनों चीज़ें लिख के रख लेनी है, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ई ग्रंथालय, ई गुरु, ई पाठशाला, ये सारे आपको मैंने करवा दिए थे। ई पाठशाला, ई और क्या बोलते हैं आपका, जो आपको किसके रूप में देखने को मिलता है, ई पाठशाला या ई पीजी पाठशाला के रूप में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, एमएचआरडी के अंतर्गत आता है, और एमएचआरडी के क्या है आपका, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं यूजीसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। और इसमें कहीं ना कहीं यूजीसी की ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स और क्या है ऑफलाइन एक्सेस के तौर पर आपको देखने को मिलता है। इसे तीनों चीज़ों को लिख लीजिए, यानी कि इसके अंदर क्या है, ई पीजी पाठ शाला, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें आपका ई अध्ययन, ये क्या है, ये आपका ई बुक्स हैं, इसके अंदर क्या आती है, ई बुक्स। दूसरा क्या है आपका, ई पाठ्य, इसके अंदर क्या है ऑफ, और यानी कि ये ऑफलाइन एक्सेस के तौर पर आपको मिलती है, ठीक है। अब यूजीसी, एक आपका आ जाता है यूजीसी मो, ठीक है, ये आपके क्या है ऑनलाइन कोर्सेस के तौर पर मिलती है। तो ये किस और आते किसके अंतर्गत हैं, आपके सारे के सारे एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट होने के चांसेस बन सकते हैं, या फिर एक तरह से ये आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका। फिर आपका आ जाता है PEST, PEST के फॉर्म में आपको आ सकता है, PMEST के फॉर्म में आपको चीज़ें देखने को मिलती है। दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक PMEST यानी PMEST क्या है, PMST की फुल फॉर्म क्या है, PEM बताइए, PEMST के फुल फॉर्म क्या है, और PEMST हम इसको कहीं ना कहीं फेमस क्यों मानते हैं, ठीक है। तो क्या है पी आपका PMEST, तो PMEST क्या है, यानी कि पी से क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी, एम से मैटर, ई से एनर्जी, एस से स्पेस, और टी से टाइम, ये आपका क्या है आपको देखने में मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है PEMEST, तो आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपका इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन था PEST, तो PEST क्या है, वो है पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, और आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लिख लीजिए। इसके बारे में अगर फुल फॉर्म आपसे पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या है सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर्स, फिर आपका इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ठीक है, सोशियोलॉजिकल, सोशल फैक्टर, और आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो ये आपके ये वाला क्वेश्चन भी इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अब आपका आ जाता है मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देखने के लिए मिलते हैं। मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन क्या देखने के मिलते हैं कि मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन कौन सा है, या फिर मैनेजमेंट साइंस में क्वेश्चन कौन सा है, कि मैनेजमेंट में आपका क्वेश्चन क्या है, कि मैनेजमेंट में जो आपके हेनरी फेवेल हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके क्वेश्चन आते हैं कि मैनेजमेंट में कि चेस
चलिए, तो यानी कि थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बेंस हो गया था, यानी कि वीडियो पॉज हो गई थी और वीडियो में दिक्कत हो गई। तो ये आपकी स्लाइड क्या होगी, यानी कि स्लाइड तो मैंने बना दी है सारी चीज़ों की। तो इसके बाद क्या आता है, यानी कि इसके बाद आपके सारे के सारे जो भी स्टूडेंट UGC नेट प्रीवियस ईयर की तैयारी कर रहा है, प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर चाहता है, तो प्रीवियस ईयर के आपको दोनों जगह पेपर मिलेंगे। अगर आपके पास टाइम है, सफिशेंट टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर वहाँ पर सारे पेपर देख सकते हैं। और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये में आपको बुक दी जा रही है, तो आप हमारे चैनल से बुक ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन था कि आपके क्लासिकल यानी क्लासिकल मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, क्लासिकल मैनेजमेंट में हेनरी फेबर और कहीं ना कहीं FW टेलर के बारे में पूछा जा सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है थ्योरी एक्स एंड वाई, थ्योरी एक्स एंड वाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। थ्योरी एक्स एंड वाई के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने मिलता है लाइब्रेरी में, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है जो कहीं ना कहीं परिकल्पना के ऊपर है, परिकल्पना के ऊपर को संबंधित क्वेश्चन आपको देखने में मिल सकता है कि परिकल्पना कैसे बनती है, किस तरह से बनती है परिकल्पना में, और कहीं ना कहीं आपके काई स्क्वायर हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्टैटिकल फॉर्म में देखने के लिए मिलेगी जो आपने कहीं ना कहीं MLA में पढ़ी होंगी। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं ये आपके स्टडी ऑफ बुक्स एंड फिजिकल एंटिटी के रूप में आपका एक है, किसने है, वर्णात्मक ग्रंथ सूची, क्रिटिकल एनालिसिस एंड प्लानिंग के रूप में आपको देखने में, एंड टाइम ऑफ बुक के रूप में ऐतिहासिक ग्रंथालय, बौद्धिक घटक के रूप में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले, और ग्रंथ यानी पुस्तक ग्रंथ सूची के रूप में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग है ये आपका। ठीक है, फिर आपका आ जाता है स्टैटिकल ईयर ऑफ बुक ऑफ इंडिया, तो ये किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल, यानी कि इस आपको देखने को मिलेगी। इंडिया हुज और हु, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन आपसे पता, यानी कि कहाँ से पूछा जा सकता है और क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल के रूप में और इंडिया लिटरेचर के रूप में आपको देखने के लिए मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, या ये क्वेश्चन कहिए रिपीट हो सकने के चांसेस है। फिर आपका आ जाता है मैक्स वेबर वाला, और ये कहीं ना कहीं FW टेलर, हेनरी, ये सारे के सारे नौकरशाही, मानव सिद्धांत और वैज्ञानिक सिद्धांत इसके रूप में मिलता है, और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, यानी कि जिम फी लो, ये कहीं ना कहीं वीडियो थोड़ी सी पॉज हो गई थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं और सारे के सारे स्लाइड मैंने यानी एक तरह से लिख दिया था, फिर अभी ध्यान गया है तो वीडियो पॉज हो गई थी, तो ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ही स्लाइड आपकी बनी है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये काले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आपके कहीं ना कहीं रिपीट हो सकते हैं और कहीं ना कहीं रिपीट होने के चांसेस रहे या फिर एक तरह से रह सकते हैं। फिर आपका आ जाता है MBO। ठीक है, MBO किससे संबंधित है, पीटर डर कर। फिर आपका आ जाता है PEST, ये किससे संबंधित है, फ्रांसिस आर्ग्यूलर। फिर आपका आ जाता है CPM, के ली एंड वालकर। फिर आपका आ जाता है SWOT, ये आ जाता है एल्बर्ट हम प्री। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपके सामने दोबारा एक तरह से रिपीट होने के चांसेस हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों को दोबारा अच्छी तरह से आपको करना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को ज़रूर ज़रूर एक तरह से देख के जाना है, ये क्वेश्चन आपके रिपीट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो यही क्वेश्चन थे कहीं ना कहीं इस यानी कि इस पेपर में जो आपके रिपीट होने के चांसेस हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका 91 से यानी कि 91 से 100 तक के बीच में आपका क्या आता है, एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ को 10 में से 10 लाने की कोशिश करिए, यानी कि 10 में से 10 क्वेश्चनों को आपको अटैम्प्ट करना है और 10 में से 10 लाने हैं, यानी कि 20 का नंबर वहाँ से मिलेंगे, और उस क्वेश्चन यानी कि उस जो पैराग्राफ है उससे थोड़ा सा ऐसा एक तरह से पहले आप जो गलती करते हो पैराग्राफ पढ़ते हो, पहले पैराग्राफ छोड़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैराग्राफ पढ़ो, तो इससे क्या होगा आपको थोड़ा सा ये पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है और कहाँ पे पूछना चाहता है। जैसे आप क्या करते थे जब 6th, 7th, 8th, 9th, 10th या 10th या 11th में जब आपने पेपर दिया होगा तो क्या करते थे, जैसे कि ये वर्ड है
तो ये वर्ड क्या है, इस वर्ड से रिलेटेड आपका पैराग्राफ में कहाँ पर पूछा गया, वो वर्ड ढूंढते थे। तो उस वर्ड की जगह आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस करनी है। 91वें क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तो और ऑप्शन क्या दिख रहे हैं, तो वहाँ संबंधित उससे ले, उससे टाइम भी बचेगा और आपका पूरा का पूरा अप्रोप्रिएट आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए ये था आज का, यानी कि आज के जो पेपर था उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको बता देंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।